Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. ने अभी जो है रिसेंटली मार्च में जो है सफायर का लेवल जो है ब्रेक किया है और हिंदुस्तान में पूरा तहलका मचाया उन्होंने. आई इनवाइट प्लीज हैप्पी वेलकम. आपकी जबरदस्त तालियों के बीच हम इनवाइट करते हैं एक ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी, एक ऐसे ग्रेट ट्रेनर, एक ऐसे ग्रेट मोटिवेटर जो बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की दिलों की धड़कन है. मैं इनवाइट करता हूं हमारे बीच में द ग्रेट लीडर श्रीमान आनंदो मिश्रा साहब को. वेलकम सर. थैंक यू सर. थैंक यू JRCM. और मैं बहुत लकी हूं सर कि आज इतना बड़ा परिवार के सामने में कुछ डिस्कशन करने के लिए आज मेरे को मौका मिला है. सबसे पहले तो मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहूंगा. मैं सेल्फ अनिंदा मिश्रा और वेस्ट बंगाल के अंदर बुनियापुर एक छोटा सा सिटी जहां से मैं बिलोंग करता हूँ. और पिछले लगभग 17.5 साल से मैं आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ. सर मैं थोड़ा सा अपना कहानी बताना चाहूंगा कि जिस समय मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैं बीए पार्ट वन का मैं स्टूडेंट था. मेरा पिताजी स्कूल के टीचर थे. मैं अपने पापा को मैंने बताया कि आरसीएम जैसा बिजनेस है और इस बिजनेस से अपनी बदल सकता है और सपना पूरा हो सकता है. तो मेरा पापा ने बोला कि बेटा मन लगा के पढ़ाई करो. लेकिन मेरे प्लस एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज था. और इसका मैंने रिकॉर्ड किया कि वेस्ट बंगाल में जो HS एग्जामिनेशन होता है, मेरा रिकॉर्ड है सर कि मैंने 3 साल पढ़ाई करने के बाद मैंने HS एग्जामिनेशन को मैंने पास किया. और इसको बोलने में मेरे को बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होता है क्योंकि जो 1 साल पढ़ाई करके पास करता है उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है और मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है. तो मेरे को आज भी याद है सर कि जो मैट्रिक एग्जामिनेशन था, मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, और मैं क्रिकेट खेलने के लिए मैं गया था और मेरा पिताजी हाथ में डंडा लेके मेरे को मारते हुए मेरे को एग्जामिनेशन के क्लास में मेरे को भेजा. मतलब पढ़ाई में मैं बिल्कुल कैजुअल में था. लेकिन आरसीएम बिजनेस जैसा अपॉर्चुनिटी जब मेरे को मिला और मैं बिल्कुल इस बिजनेस के अंदर, एक चीज जो मेरे को समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर काम करने से जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा चीज मिल सकता है. और मैंने सीरियसली काम किया और पहला महीने में मैंने लगभग 10 लोगों को मैंने इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग कराया था. और मैंने सोचा कि 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराया तो कम से कम 1,000 रुपया कमीशन आना चाहिए. लेकिन मेरे घर में इनकम आया 222 रुपया और मैंने बिजनेस को छोड़ दिया. और जब मैंने बिजनेस को छोड़ दिया तो नेक्स्ट मंथ पे मेरे घर में इनकम आता है 909 रुपया और मेरा दिमाग खराब हो गया. यार कौन सा बिजनेस है कि जब मैंने काम किया तो मेरे को मिला 222 रुपया और मैंने बिजनेस को छोड़ दिया तो मेरे को मिला 909 रुपया. इसका मतलब है कि कंपनी काम करने के लिए पैसा नहीं देता है, कंपनी छोड़ने का पैसा देता है क्या? और उस समय मैंने मेरा ग्रेट अपलाइन के साथ में मेरा परिचय हुआ राकेश शर्मा सर. और मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं राकेश जी को क्योंकि आज मैं जिस लेवल पे हूं, जिस पोजीशन पे मैं हूं, राकेश जी का 101% उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद. और राकेश जी का मैंने जिस समय 17 साल पहले एक बार बुनियादपुर सिटी में राकेश सर का मीटिंग था और उस समय सर का कार एक्सीडेंट हो गया था. और आरसीएम बिजनेस की कृपा है सर कि आरसीएम बिजनेस जो दिल से करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं उनका बाल भी बाका नहीं होता है. और इतना बड़ा कार एक्सीडेंट होने के बाद भी राकेश सर ने आके मीटिंग किया और उस दिन मैंने इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लिया क्योंकि मेरे को उस दिन सीरियस होने का एक मौका मिला कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर वो व्यक्ति मीटिंग लेते हैं और एक्साइटमेंट के साथ लेते हैं तो जरूर इस बिजनेस के अंदर सच्चाई है और ईमानदारी है. और इसी चीज को देख के मैंने इस बिजनेस के अंदर मैंने सीरियस हुआ सर. और लगभग 21 महीने में मैंने रॉयल्टी अचीव किया. लेकिन रॉयल्टी अचीव करने से पहले का थोड़ा सा मैं स्टोरी आपको बताना चाहूंगा. मेरा जिस समय बिजनेस 1,15,000 से लेके 1,70,000 के बीच में होता था और उस समय कमीशन आता था लगभग 4,500 से 5,000 रुपया के बीच में. और मेरा पिताजी स्कूल के टीचर थे. एक बार क्या हुआ कि रात में मैंने मीटिंग करके मैं घर में आया लगभग रात को 12:30 बजे और मेरा पापा जी ने मेरा बैगेज पहले से रेडी करके रखा था और मेरा पापा जी ने मेरे को बोला
कि या तो आज डिसीजन लेना है, या तो घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आर्ट्स एंड बिजनेस तो छोड़ना पड़ेगा। और मैंने पता नहीं ऊपर वाला का एक बहुत बड़ा चमत्कार था उस दिन, क्योंकि मैं पापा जी के ऊपर कोई बात मैं नहीं करता था। 8 से 7 साल पहले पापा जी का देहांत हो गया, लेकिन पापा जी हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। और उस दिन पापा जी ने मेरे को बोला कि या तो घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आरसीएम को छोड़ना पड़ेगा। और उस दिन पता नहीं मतलब चंद सेकेंड के लिए मेरे अंदर एक साहस पैदा हो गया, और मैंने पापा को मैंने बोला कि पापा मैं कुछ दिन के लिए घर छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं जीवन भर के लिए आरसीएम बिजनेस को छोड़ नहीं सकता। और वो दिन मेरा बहुत संघर्ष का दिन था। मैंने लगभग 62 दिन मैंने घर के साथ रिलेशन मेरा नहीं था, मेरे जेब में पैसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को पता है सर कि जो जीरो से इस बिजनेस को करते हैं, खर्चा तो इस बिजनेस में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होता है, इनकम बहुत कम मिलता है। और मेरे जेब में पैसा नहीं होता था, और मैं आसाम में जाता था बोंगाईगांव स्टेशन में, अखबार बिछा के मैं पूरा रात वहां पे बिताता था। कभी मैं कटिहार स्टेशन में जाता था तो होटल का पैसा मेरे पास नहीं होता था। तो 62 दिन मैंने लगातार मैंने संघर्ष किया, और 62 दिन का नतीजा है सर कि मैंने रात में जब भूख लगता था तो मेरे जेब में पैसा नहीं होता था, तो बंगाल के अंदर एक सस्ता खाना मिलता है मूढ़ी, और जहां पे भी आप जाएंगे तो मूढ़ी कहीं भी मिल जाएगा आपको, 5 रुपया में या 2 रुपया में आपको मूढ़ी मिल जाएगा। और मूढ़ी खा के मैंने पानी पी के पेट भर के मैंने इस बिजनेस को मैंने बिल्ड किया। और मेरा ग्रेट अपलाइन ने मेरे को हमेशा मोटिवेशन दिया, मिस्टर खान साहब, खान साहब हमेशा बोलते थे कि इस बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति अपने लिए काम करते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो टीम के लिए काम करते हैं, जो अपने डाउनलाइन के लिए काम करते हैं, दुनिया का कोई ताकत उसको कामयाब बनने से रोक नहीं सकता है। और इसी मोटिवेशन के साथ मैंने बिजनेस को किया। और 62 दिन के बाद मेरा पापा जी ने मेरे को कॉल किया, क्योंकि उस समय कंपनी कमीशन जो है अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करती थी, कंपनी कमीशन बाई पोस्ट पोस्ट ऑफिस से भेजती थी। तो पापा जी के हाथ में चेक आया, और मेरा पहला रॉयल्टी का चेक था 21,690 रुपया। उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और लकीली आज का वो दिन जो है 8 जुलाई मेरा रॉयल्टी का चेक आया था मेरे पापा जी के पास। क्योंकि मतलब पहले क्या होता था ना कि 2 महीने पहले बिजनेस फाइनल होता था और चेक आते में 2 महीना टाइम लगता था। तो 2 महीने के बाद पापा जी के हाथ में 21,690 रुपया का चेक आया, रॉयल्टी का चेक। और पापा जी ने मेरे को घर पे बुलाया और मैं घर पे आया, लेकिन पापा जी ने मेरे को बहुत प्रेम से बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ऐसा बिजनेस में कभी करियर नहीं बन सकता है, एक महीना तो आ गया लेकिन दूसरा महीने में कभी नहीं आ सकता है। लेकिन वो जीत था मेरे अंदर और अपलाइन का सहयोग था, और खास करके मैं राकेश सर का मतलब दिल से मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा कि हमेशा जिस समय मेरे को लगता था कि इस बिजनेस को छोड़ना चाहिए, और उस समय मैं एक गलती करता था, मैं अपने अपलाइन को मैं कॉल करता था, और राकेश जी को जब भी मैं कॉल करता था, और आज भी सर के अंदर वो कमिटमेंट है कि आज भी मैं सर को मैं कॉल करता हूं तो एक ही बार में सर कॉल को रिसीव करते हैं, और हमेशा जो भी वाइब्रेशन मिलता है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, और जिस कारण से सर आज मैं फाउंडर सेफेयर जैसा लेवल पे हूं, और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद इसकी वजह से मैं आज इस लेवल पे हूं। और जो मेरा फाउंडर सेफेयर का जो मेरा स्टेटमेंट बना था गवर्नमेंट को जीएसटी काटने के बाद, उसका अमाउंट था 8,20,000 रुपया से भी ज्यादा, 1 महीने का कमीशन। लेकिन सर मैं एक ही चीज कहूंगा कि आरसीएम बिजनेस के अंदर 202 रुपया से मैंने सफर चालू किया, और आज 8,20,000 रुपया अगर मेरे को इस बिजनेस के माध्यम से मिलता है तो सर ये आरसीएम बिजनेस का इनकम नहीं है, ये तो चिल्लर है। नोट तो आना अभी बाकी है दोस्त, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बहुत जल्दी गवर्नमेंट कानून लेके आने वाला है नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर। और मैं एक चीज गारंटी और दावे के साथ मैं बोल सकता हूं, इतना अटूट विश्वास है आरसीएम बिजनेस के प्रति कि आज पूरा इंडिया में लगभग 500 से भी ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन 100% गवर्नमेंट का अगर रूल फॉलो करके अगर कोई कंपनी काम करती है तो आरसीएम बिजनेस है। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूंगा कि मैंने इस बिजनेस को किस तरीके से समझा और आपको इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर, और प्रमोद जी को मैं दिल से कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, क्योंकि सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बहरमपुर जैसा जगह जहां पे सर ने आके मेरे को मीटिंग दिया, और वहां पे उस समय कुछ नहीं था, रॉयल्टी का बिजनेस भी नहीं था, लेकिन सर का नाम से पता नहीं कैसे लोगों का मतलब जादू चल जाता है। लगभग उस मीटिंग में
प्रमोद सर का जो मीटिंग हुआ था, लगभग 1500 लोग बैठे हुए थे, और उसी मीटिंग के बाद सर मेरा इमराल्ड फाइनल हुआ। तो प्रमोद जी को मैं दिल से कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। तो चलिए आरसीएम बिजनेस का अपॉर्चुनिटी क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को, और ऐसा क्या है इस बिजनेस के अंदर जो हर व्यक्ति को करना चाहिए? तो सर पहला जो बिंदु के ऊपर मैं बात करता हूं कि पैसा हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि पैसा एक कहावत है सर, देयर इज नो मनी एवरीथिंग इज फनी। जहां पे पैसा नहीं है वहां पे सब कुछ फनी है। बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन पैसा ऊपर वाला के नूर से जुदा भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा से प्यार को खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन हमेशा मैं कहता हूं सर कि प्यार को हो सकता है कि पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन उसी प्यार को जिंदा रखने के लिए पैसा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज के डेट में सर पैसा कमाने का लोगों के पास जो भी जरिया है, तीन तरीका है, मैं जो आपके सामने मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। पहला तरीका है जॉब। जॉब के माध्यम से पैसा को कमा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। दूसरा तरीका है सर बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस के माध्यम से आप पैसा को कमा सकते हैं। और तीसरा तरीका है सर आपके पास डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। मैं ज्यादा ब्रीफ में इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल जिम्मेदारी मेरे को मिला है कि जूम में आप लोगों के टीम में आज तक जो मीटिंग नहीं हुआ उस मीटिंग को आज मेरे को करके दिखाना है। और इस मीटिंग में जितने भी साथी बैठा हुआ है, सितंबर महीने में सारे के सारे लोगों को रॉयल्टी अचीवर बनना है, इसका मेरे को जिम्मेदारी मिला है। और मैं 100% अपने तरफ से परफॉर्मेंस मैं करूंगा, लेकिन आपको उस सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए जॉब जो है सर, जॉब में आज के डेट में सर प्राइवेट जॉब की अगर बात करें तो प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सर ऊपर वाला के साथ मुलाकात हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, और गवर्नमेंट जॉब में भी सर कोई सिक्योरिटी नहीं है। और ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें सर, अगर करोड़पति आप हैं तो ही आप ट्रेडिशनल बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना एक्सपीरियंस है तो ही आप ट्रेडिशनल बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसा सिस्टम के बारे में बातचीत करूंगा जो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग सिस्टम, जहां पे एक जीरो व्यक्ति इस सिस्टम के माध्यम से हीरो बन सकता है। एक कहावत है सर कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नई परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं लोगों के दिलों तक पहुंचना है, और उतनी दूरी तय करने के लिए वक्त तो लगता है। एक आम व्यक्ति को खास बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में वक्त तो लगता है, एक जीरो से हीरो बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में वक्त तो लगता है। बस इस सिस्टम में थोड़ा सा आपको टाइम देना है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको फेथ लेवल रखना है, आपको बिलीव रखना है। आप देखिए इस बिजनेस के अंदर कितना बड़ा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, आपका लाइफस्टाइल जो है 180 डिग्री एंगल में चेंज हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के माध्यम से। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको इनकम सिक्योरिटी मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा सिस्टम है जहां पे पूरा इंडिया नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड में आप दोस्त बना सकते हैं, और आपके पास इतना टाइम होता है। आज सर मैं सेलिब्रेशन प्रोग्राम जो हुआ था, जिस समय मैंने स्टार रूबी अचीवर हुआ था, उस समय मैंने स्टेज के ऊपर से मैंने एक चीज कहा था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसलिए हूं क्योंकि मैं दिल से हाउस हस्बैंड बनना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हाउस वाइफ की जिक्र लोग करते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हाउस वाइफ के पास कोई काम नहीं होता है। तो अगर वास्तव में हाउस वाइफ के पास कोई काम नहीं है तो मैं हाउस हस्बैंड बनना चाहता हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि जहां पे ईमानदारी के साथ कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल टिक गया तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है उसको हाउस हस्बैंड बनने से रोक सकता है। मैं तो इतना ही कहूंगा सर कि आज काम करने का मौका है, आज मेहनत करने का मौका है, इतना मेहनत करिए, इतना काम करिए कि आपका मेहनत देख के गधा भी शर्मा जाए, आपकी मेहनत देख के गधा भी शर्मा जाए, लेकिन 5 साल के बाद इतना अचीवमेंट आपके पास आएगा, इतना ड्रीम आपका पूरा होगा कि 5 साल के बाद आपकी अचीवमेंट देख के राजा भी शर्मा जाएगा। सर वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। चलिए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। देखिए आज पूरा इंडिया की अगर बात करें, पूरा इंडिया का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज भारत में लगभग 10% लोग ऐसे हैं जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर हैं, जिनका इनकम महीने में 6,000 रुपया से कम है, मतलब 6,000 रुपया से भी कम है। अब सोचिए उनको इलेक्ट्रिक बिल भी देना पड़ता है, उनको पता नहीं फैमिली खर्चा के लिए कितना क्या करना पड़ता है, लेकिन 6,000 रुपया से ज्यादा उनके घर पे इनकम नहीं है। तो वो लोग किस तरीके से जी रहे हैं सर, कीड़ा मकोड़ा की तरह जो है उन लोगों का जिंदगी है। लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे सर तो भारत में लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो पोअर क्लास हैं, जिनका इनकम 6,000 रुपया से लेकर 13,000 रुपया के बीच में है,
और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी अगर देखेंगे लोअर क्लास 30% लोग हैं जिनका इनकम 13,000 रुपया से लेके 20,000 रुपया के बीच में है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे मिडिल क्लास लोग जिनका इनकम 20% जो लोग हैं जिनका इनकम 21,000 रुपया से 60,000 रुपया प्रति माह का है। और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे तो अपर क्लास लोग हैं जिनका जो 7% लोग हैं जिनका इनकम 61,000 रुपया से लेकर 2,50,000 रुपया के बीच में है मंथली। और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे रिच क्लास 2% लोग हैं जिनका इनकम 2,50,000 रुपया से लेके 12,00,000 रुपया एक महीने का है। और उसके बाद सर नेक्स्ट कैटेगरी जो लास्ट कैटेगरी है वेल्दी क्लस सिर्फ और सिर्फ पूरा भारत की अगर बात करें तो 1% लोग हैं जिनका इनकम 13,00,000 रुपया से भी ज्यादा एक महीने का है, चाहे वो टाटा है, अंबानी है, गोयनका है, जो भी है, 13,00,000 रुपया से भी ज्यादा एक महीने का इनकम, लेकिन इसका परसेंटेज मात्र 1%। अभी चलिए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों करना है। मैं मान लेता हूं कि आप बीपीएल कैटेगरी में है, मतलब 10% के श्रेणी में है और आपका इनकम 6,000 रुपया मैक्सिमम है एक महीने का। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई रास्ता आपके पास है कि जहां पे 5 साल ईमानदारी के साथ काम करके आप 10% से वेल्दी क्लास मतलब 1% में आ सकते हैं? अगर आपका जवाब है नो, तो फ्रेंड्स मैं एक ही बात कहूंगा कि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है कि जिस इंडस्ट्री के माध्यम से अगला 5 साल के अंदर आप बीपीएल कैटेगरी से भी वेल्दी क्लास श्रेणी में आ सकते हैं और महीने में 13,00,000 से भी ज्यादा पर मंथ आपके घर में इनकम आ सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैं आना चाहता हूं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि आपका सपना है कि आपको चांद में जाना है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका सपना है कि आपको चांद में जाना है। किसी का सपना हो सकता है कि मेरे को बीएमडब्ल्यू कार खरीदना है, किसी का सपना हो सकता है कि मेरे को हाउस हस्बैंड बनना है, किसी का सपना हो सकता है कि मेरे को वर्ल्ड टूर करना है। जो भी है, मान लीजिए कि आपका सपना है कि आपको चांद में जाना है, और अगर चांद में अगर आपको जाना है और आप अगर जो वाहन को सिलेक्ट करते हैं अगर साइकिल, तो फ्रेंड्स आप जितना भी हार्ड वर्क करेंगे आप साइकिल लेके चांद में नहीं जा सकते हैं। चांद में जाने के लिए आपको रॉकेट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर रॉकेट का सहारा लेते हैं तो आप चांद में जा सकते हैं। तो आरसीएम बिजनेस क्या है फ्रेंड्स? आरसीएम बिजनेस आपके लिए एक रॉकेट का माध्यम बन सकता है कि जिस सिस्टम, जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। देखिए, सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए, सपना कभी छोटा नहीं देखना चाहिए। मैं बहुत ही मतलब पोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और क्लास 7 में मैंने पापा को मैंने बोला था कि पापा मेरे को साइकिल खरीदना है, और पापा ने वो ड्रीम मेरा पूरा किया। जब मैं 10th क्लास मैंने पास किया था तो मेरे पास साइकिल आया था। तो एक बहुत ही पोअर क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, लेकिन फ्रेंड्स मैं दिल से चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा मेरे को पूछे कि पापा मेरे को साइकिल खरीदना है तो मैं उसको स्कूटी खरीद के मैं दूंगा। अगर मेरा बच्चा मेरे को बोलता है कि पापा मेरे को स्कूटी खरीदना है तो मैं उसको कार खरीद के मैं दूंगा। और मेरा बच्चा अगर मेरे से पूछता है कि मैं कैलकुलेटर खरीदना चाहता हूं तो मैं उसको लैपटॉप खरीद के देना चाहता हूं। तो इस तरीके का ड्रीम है और सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए। अगर आप सपना देखेंगे कि चांद को छूना है तो हो सकता है आपका हाथ चांद तक ना पहुंचे, लेकिन मेरी गारंटी है सर कि आपका हाथ ऊपर ही रहेगा, कीचड़ में तो नहीं गिरेगा। तो हमेशा सपना को बड़ा देखना चाहिए और सपना पूरा करने के लिए आपके पास एक अजूबा, एक सिस्टम, एक अपॉर्चुनिटी जो है आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आप अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, पूरा जान लेते हैं कि पूरा इंडिया के अंदर दो तरीके के लोग हैं। एक तो 90% लोग जो अपने जीवन को किसी भी तरीके से गुजार लेते हैं, क्योंकि 90% लोग आज के डेट में एक्टिव इनकम को लेते हैं। और एक्टिव इनकम का मतलब सर जितना दिन आप काम करेंगे उतना दिन आपके पास पैसा आएगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, ट्रेडिशनल कोई भी काम हो, कोई प्रोफेशनल आप LIC का एजेंट हैं या कुछ भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं या आप एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन आपको तब तक पैसा मिलेगा जब तक आप काम करेंगे। एक बचपन में गाना सुने थे कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, मतलब जितना दिन आप नाच करेंगे उतना दिन ही पैसा आएगा, नाच बंद तो पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन और एक तरीका है पैसा को कमाने जो मात्र पूरा इंडिया में 10% लोग कमाते हैं, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आप पैसा के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। और इसका अगर उदाहरण देखना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं
10 साल 11 साल आप पैसा को डिपॉजिट करेंगे तो पैसा ग्रोथ में आपके पास मिलेगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं 5 साल 10 साल आप वेट करेंगे तो पैसा ग्रोथ से आपके पास रिटर्न में आएगा। आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो किसी भी शेयर मार्केट में आप पैसा को निवेश करते हैं, तो 5 साल 10 साल का एक टाइम पीरियड का जरूरत है, तब जाके आपके पास पैसा रिटर्न आएगा। आप गोल्ड खरीदते हैं, आज खरीदेंगे कल बेच देंगे तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद बेचेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप रेंट का कोई भी आपका रूम है या दुकान है जिसको रेंट पे आप देते हैं तो इससे भी आपको पैसिव इनकम मिल सकता है, और म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं तो भी आपको पैसिव इनकम मिल सकता है। लेकिन इसमें एक मोटा सा बात जो पकड़ना है कि चाहे आप फिक्स डिपोजिट करें, चाहे आप प्रॉपर्टी का धंधा करें, चाहे आप शेयर मार्केट में पैसा रखें, चाहे आप गोल्ड परचेस करें, तो पैसा आपको एक दिन में डबल नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए 5 साल 10 साल आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आरसीएम बिजनेस को आप करते हैं सर, तो पहले आपको आरसीएम बिजनेस में भी एक्टिव इनकम मिलता है, मेरे को मिला था 222 रुपया, फिर उसके बाद आज मैं फाउंडर सेफेयर जैसा लेवल पे हूं, आज सर मैं पैसिव इनकम की जोन पे हूं, और यहां पे सर मैं काम करूंगा तो पैसा मेरे पास नहीं आएगा, बल्कि सिस्टम मेरे लिए काम करता है जिस कारण से पैसा मेरे घर पे आता है। तो इस बिजनेस के माध्यम से सर आप पैसिव इनकम जैसा लेवल आ सकते हैं। उसके बाद सर नेक्स्ट टॉपिक में मैं आता हूं। आज लोगों के पास इनकम करने का 3 जरिया मान लेते हैं। पहला तो है जॉब, कि आप जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप प्राइवेट जॉब करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज कोरोना काल में जो पैंडेमिक सिचुएशन अभी चल रहा है, आप लोगों को पता होगा करोड़ों लोगों के पास आज के डेट में कोई नौकरी नहीं है, लोग नौकरी से हाथ धो चुके हैं। जो लोग दिल्ली में काम करते थे, बैंगलोर में काम करते थे, मुंबई में काम करते थे, आज वो लोग अपने गांव में हैं। तो फ्रेंड्स अगर प्राइवेट जॉब करेंगे तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी आपको नहीं मिलता है। अगर आप बिजनेस ट्रेडिशनल कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा आपका मार्केट उतना बड़ा होगा, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है, यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, लोगों का टांग खींचने का काम करता है, और यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आप हो सकता है कि इस यहाँ पे करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपका सपना पूरा ना हो। और इसीलिए दोस्त आज ये दो काम करके मात्र 10% लोगों का सपना पूरा होता है। अब बात करें 90% लोग, जो लोग अपना नीड, अपना जरूरत, अपना आवश्यकता को पूरा करते हैं, क्या इन लोगों का हक नहीं है, क्या इन लोगों का अधिकार नहीं है कि ये लोग भी अपना सपना को पूरा कर सकते हैं? यस सर, अगर आपको लगता है यस, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा सिस्टम है कि जिस सिस्टम के माध्यम से ये लोग भी अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। और इस सिस्टम का जन्म हुआ 1930 में और यूएसए के अंदर, और 1950 में यूएसए गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को भी बैन कर दिया था, उनको भी लग रहा था कि ये सिस्टम गलत है। लेकिन 1996 में जब इंडिया में ये सिस्टम लॉन्च हुआ तो इंडिया के पास भी कोई गाइडलाइन नहीं था, लेकिन एक खुशी की खबर है कि बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट इस सिस्टम के ऊपर लॉ लागू करने वाला है, और जिस दिन लॉ लागू हो जाएगा उस दिन सामाजिक मान्यता मिल जाएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आज से लगभग 15 साल पहले मेरा शादी हुआ, तो जब लड़की देखने के लिए लड़की के घर पे जाते थे तो लड़की का पिताजी पूछता था कि बेटा करते क्या हो, तो मैं बोलता था आरसीएम बिजनेस, तो उनका पिताजी बोलता था कि बेटा नहीं, काम क्या करते हो सो बताओ। लेकिन फ्रेंड्स आज के डेट में अगर बात करें, 1 साल बाद 2 साल बाद कोई लड़की के घर में लड़की देखने के लिए कोई लड़का अगर जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि बेटा काम क्या करते हो, एक लड़का बोलेगा कि मैं इंजीनियर हूं, तो लड़की का पापा उनसे पूछेगा कि बेटा नहीं काम क्या करते हो सो बताओ, क्योंकि हर एक लड़की का मम्मी पापा एक ही चीज समझना चाहेंगे, एक ही चीज सुनना चाहेंगे कि बेटा आप आरसीएम बिजनेस में एम्ब्रॉयड अचीवर हो क्या नहीं हो, क्योंकि आरसीएम बिजनेस को आज से 1 से 2 साल के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज से 1 से 2 साल के अंदर सामाजिक मान्यता मिल जाएगा। और उस समय सर मैं तो एक ही चीज कहूंगा सर कि पहले ट्रेन में लोग बैठना पसंद नहीं करते थे, आज से 50 साल पहले जब ट्रेन चालू हुआ, 70 साल पहले जब ट्रेन चालू हुआ, तो इंसान बैठना पसंद नहीं करते थे, तो जबरदस्ती बंदर को, भैंस को, गाय को उसके ऊपर चराया जाता था और लोगों को विश्वास दिलाया जाता था कि देखो मतलब कोई प्राणी मरता नहीं है। फिर धीरे धीरे जाके
लोग ट्रेन का सफर को पसंद किया, और आज अगर मैं मालदा से मैं दिल्ली जाना चाहता हूं और कोई ट्रेन का मेरे को टिकट लेना है तो मैं ट्रेन का टिकट लूंगा तो ट्रेन का टिकट निकलेगा वेटिंग लिस्ट 72। ठीक सर, उसी तरीके से आज से 1 से 2 साल के बाद आरसेम बिजनेस कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनका सीट कंफर्म नहीं मिलेगा, वेटिंग लिस्ट पे आएगा, लोग लाइन लगा के तैयार होंगे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। तो इस सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1960 की अगर बात करें तो इस समय जो लोग फार्मिंग इंडस्ट्री के साथ में था वो लोग बड़ी पैसा कमाता था, और 1970 की अगर बात करें जो लोग प्लास्टिक का धंधा के साथ अपने आप को जोड़ा वो लोग कामयाब हुआ। 1980 में जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, अमिताभ बच्चन जी 1980 में फिल्म इंडस्ट्री पे कदम रखा, और आज भी उनका फिल्म आता है, बोलता है बुड्ढा होगा तेरा बाप, तो आज भी उनका फिल्म चलता है सर मार्केट में, क्योंकि उन्होंने सही समय में सही चीज को पकड़ा। रतन टाटा जी को पूछा गया एक बिजनेस मीटिंग में कि सर लक जो है इसका परिभाषा बताइए, भाग्य का परिभाषा बताइए, तो रतन टाटा जी ने बोला था कि सही समय में सही काम को सही लोगों के साथ करना, सुनना या सीखना ही आपका तकदीर है, आपका भाग्य है। तो सही समय को चुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 1980 में जो लोग फिल्म इंडस्ट्री पे कदम रखा वो लोग कामयाब हुआ, 1990 में जो लोग इलेक्ट्रॉनिक का धंधा किया वो लोग कामयाब हुआ, 2000 में जो लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रखा वो लोग कामयाब हुआ, 2010 में जो लोग मोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा वो कामयाब हुआ, और मैं नहीं पूरा दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 2020 के बाद जो इंडस्ट्री आने वाला है वो होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री को प्यार करिए, इस इंडस्ट्री विश्वास करिए, और इस इंडस्ट्री से आपका बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो सकता है। और रहा बात आरसेम बिजनेस को ज्वाइन करने का, तो यहाँ पे 1000 बिजनेस बोलिए हम की कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आप एफएमसीजी प्रोडक्ट से या न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट से, कोई भी प्रोडक्ट लेके आप इस ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए बहुत आसान तरीका, आपको फोटो देना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपको बैंक पासबुक देना पड़ेगा, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड देना पड़ेगा, नहीं है तो बाद में नंबर आपको सबमिट करना पड़ेगा। और पहला चीज, इस बिजनेस को आप करते हैं तो सर यूजर बन के आप करते हैं। पहला चीज सर, मैं आज मेरे पास पिछले महीने में सर इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स काटने के बाद एवरेज इनकम की अगर बात करें तो 5 लाख रुपया, 5.5 लाख रुपया पर मंथ की इनकम मेरे घर पे आता है। सर आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं चाहूंगा तो मार्केट से सर 25,000 का मैं सूट खरीद सकता हूँ, मैं चाहूंगा तो सर मार्केट से 50,000 का मैं जूता खरीद सकता हूँ, लेकिन सर मेरे को पता है कि मार्केट का 25,000 का सूट मेरे को करोड़पति नहीं बना सकता है, लेकिन आरसीएम का 1,250 रुपया का सूट मेरे को करोड़पति बना सकता है। तो पहला चीज, आपको प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री, आरसीएम बिजनेस के अंदर या किसी भी सेक्टर में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, 3 चीज के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। पहला चीज, आपके पास भक्ति होना चाहिए, आपको इस सिस्टम के प्रति और प्रोडक्ट के प्रति भक्ति होना चाहिए। दूसरा चीज, आपके पास शक्ति होना चाहिए, लोगों से फाइट करने का शक्ति होना चाहिए। और तीसरा चीज, आपके पास युक्ति होना चाहिए, लोग आपको हराने का कोशिश करेगा, आपको कभी कभी हारना भी है क्योंकि हारने के बाद एक परमानेंटली जीत मिलता है। तो लोगों को तर्क वितर्क से अगर हरा देंगे सर तो फाइनली वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन लोगों को जिताने के बाद अगर आप जीतते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ने के लिए आएंगे। और नेक्स्ट काम जो आपको करना है सर, प्रोडक्ट यूजर बनने के बाद 100% लॉयलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको डिस्प्ले वॉल खोलना है। और 2021 में देखिए सर, मैं एक ही चीज कहूंगा, आपको डिसाइड करना है कि गधा का टीम बनाना है कि घोड़ा का टीम बनाना है। गधा जो होता है ना पूरा दिन भर मेहनत करता है और शाम के टाइम में जब घर में वापस आता है तो 50 रुपये का नोट लेके आता है, लेकिन घोड़ा जो होता है रेस के मैदान में जाता है, 1 चक्कर काटता है और 5 लाख का चेक लेके आता है। और वास्तव में अगर आप 5 लाख का चेक बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और लीडर वो होते हैं सर जो नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब बनना है तो आपके कारण से आप कामयाब नहीं बन सकते हैं, एक टीम के कारण से आप कामयाब बन सकते हैं। आज मेरा बिजनेस अगर सफेद का है सर तो मेरे कारण से नहीं है, मेरा टीम के कारण से, मेरा अपलाइन के कारण से, मेरा डाउनलाइन के कारण से, सिस्टम के कारण से। तो आप भी सिस्टम को बिल्ड करिए, आप भी नेटवर्क को बिल्ड करिए। जिसके पास नेटवर्क है, राकेश शर्मा जी सर जो है आज से 10 साल पहले बोलते थे कि दीप जी मान लो कंपनी कल के डेट में 1 रुपया का एक टॉफी लेके आता है, चॉकलेट लेके आता है, और आपके टीम में अगर 1 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ व्यक्ति अगर एक चॉकलेट खाएगा तो आपको डेली 1 करोड़ का टर्नओवर मिलेगा एक छोटा सा प्रोडक्ट से। तो वो नेटवर्क आपको बिल्ड करना बहुत जरूरी है सर।
नेटवर्क करेंगे तो आप लीडर बन सकते हैं। अब जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, देखिए इस बिजनेस के अंदर कोई आरसीएम बिजनेस कुछ नहीं मांगता है आपसे। कोई भी एज का आप हैं, आप 18 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, 40 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, 60 65 साल के हैं तो भी कर सकते हैं। कोई एज लिमिट इस बिजनेस के, किसी भी एज में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं आरसीएम नहीं कर सकता। मैं पूछता हूं क्यों, तो लोग बोलते हैं ये जोड़ा जारी वाला काम मेरे से नहीं हो पाएगा, लोगों को तेल लगाने वाला काम मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्त, ये आज लोग धर्म के नाम से लोगों को तोड़ने का प्रयास करता है। हमें गर्व है कि हम लोग आरसीएम बिजनेस के सिस्टम के माध्यम से लोगों को तोड़ने का नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे कोई भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ख्रिस्त है, कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकते हैं और भाईचारा के साथ कर सकते हैं। इसमें कोई जेंडर नहीं है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप जेंट्स हैं, जेंडर के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। किसी हाइट और वेट का मोहताज नहीं है, किसी भी हाइट का व्यक्ति इस बिजनेस को करके कामयाब बन सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके के लोग इस बिजनेस को, कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, कोई टैलेंट का जरूरत नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और करके आप कामयाब बन सकते हैं। कोई फैमिली स्टेटस का जरूरत नहीं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस फैमिली स्टेटस को तैयार करता है। फैमिली स्टेटस का जरूरत नहीं है आप किसी भी। अब जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कामयाबी की राज है। और आप भी अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर फोकस करिए, आपके पास भी वो चीज आ सकता है। पहला चीज कि आप एक ग्रैब पकड़ के काम करिए कि एक साल में अगर 10 डिस्प्ले वाला आपके टीम में होता है और 10 लोग डायमंड क्लब करते हैं साल में, तो एक साल के बाद 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का व्यापार आपके नीचे हो सकता है। मतलब 1200-1500 रुपया का बिजनेस वॉल्यूम आपके नीचे हो सकता है। दूसरा साल में 10 लोग अगर डिस्प्ले हुआ और डायमंड क्लब को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 लोग डिस्प्ले हुआ डायमंड क्लब में आएंगे तो आपके नीचे 5000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो 500,000 बिजनेस वॉल्यूम। मतलब आप लीडरशिप जैसे लेवल पे आ सकते हैं और जहां पे 12,000 रुपया से लेके 25,000 रुपया तक आपके घर पे इनकम आ सकते हैं। तीसरा साल में अगर 100 व्यक्ति 10 लोगों को इस प्लान में शामिल करते हैं डिस्प्ले वॉल विद डायमंड क्लब तो आपके नीचे 1,000 लोग आएंगे और आपका बिजनेस होगा 50,00,000 बीवी। मतलब आप एमराल्ड जैसा लेवल पे पहुंचेंगे और एमराल्ड पे पहुंचने का मतलब है कि 6 फिगर का इनकम आना आपके नीचे चालू हो जाएगा, आपके टीम में चालू हो जाएगा। और उसके बाद चौथा साल की अगर बात करें, 1,000 लोग अगर 10 लोगों को डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल में शामिल करते हैं तो 5 करोड़ का धंधा होगा आपके नीचे और आप बन जाएंगे स्टार रूबी अचीवर। और स्टार रूबी का चेक होता है कम से कम की अगर बात करें तो 4,00,000 रुपया एक महीने का। और पांचवी साल अगर 10,000 लोगों को डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब में शामिल करते हैं तो 1,00,000 व्यक्ति डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब में शामिल होंगे और आपके नीचे बिजनेस होगा 50 करोड़। मतलब आप बन जाएंगे डायमंड अचीवर और डायमंड का इनकम होता है 25,00,000 रुपए एक महीने का। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब के ऊपर फोकस करना है। मैं जिस रूम के अंदर बैठा हूं, इस रूम में एक पंखा है और पंखा हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं सर आपको हवा देता हूं। इस रूम में एक एसी है, एसी बोलता है कि सर मैं आपको ठंडक पहुंचाता हूं। लेकिन मान लीजिए अगर बिजली चला गया तो क्या होगा, एसी भी काम नहीं करेगा और पंखा भी काम नहीं करेगा। और वो बिजली क्या है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, वो है डायमंड क्लब। आरसीएम बिजनेस में अगर कामयाब बनना चाहते हैं सर तो डायमंड क्लब को प्यार करना पड़ेगा दिल से। कंपनी चाहे कोई भी ऑफर लेके आता है, 500 बीवी का ऑफर लेके आता है, 1500 बीवी का ऑफर लेके आता है, 2500 बीवी का ऑफर लेके आता है, लेकिन आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है, वो है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब के ऊपर तो आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, किसी भी पायदान को आप हासिल कर सकते हैं। देखिए अमीर बनने का बहुत सारा तरीका है। एक पहला तरीका, किसी भी अमीर आदमी के घर पे पैदा हो जाओ तो आप अमीर बन सकते हो। दूसरा तरीका है किसी भी अमीर आदमी की एकलौती बेटी के साथ आप शादी कर लो तो आप भी करोड़पति बन सकते हो। और बहुत सारे लोगों का चांस चला गया, जिन लोगों का चांस नहीं गया उन लोगों का 0.00001% चांस है, हो सकता है। तीसरा तरीका है कि एक लॉटरी का टिकट खरीद लो और जिसका इनाम करोड़ों का मिले तो आप भी करोड़पति बन सकते हो। लेकिन इसका भी चांस बहुत सारे, मतलब किसी को भी नहीं है, 0.01% लोगों को ही मिलेगा।
उसके बाद किसी भी बड़े बैंक में आप डाका डाल लो तो आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा वो आपको पता है कि जीवन भर आपको काल कोठरी में जीवन को बिताना पड़ेगा। लेकिन आपके पास पांचवा जो तरीका है कि आरसीएम बिजनेस को सीखना शुरू कर दो, विश्वास करना शुरू कर दो और 2 से 3 साल इस बिजनेस को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को काम करना चालू कर दो, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकता है। 2 से 3 साल एकदम ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, अपना इनकम को मत देखो सर कितना इनकम आ रहा है, 600 रुपये आ रहा है कि 200 रुपये इनकम आ रहा है, इनकम जो आज आपको मिल रहा है ये इनकम नहीं है। और मैं आरसीएम बिजनेस के अंदर एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा सर कि आरसीएम बिजनेस आपको इतना इनकम दे सकता है कि इतना पैसा आएगा कि उस पैसा का हिसाब रखने के लिए आपको एक पीए रखना पड़ेगा और पीए को आप इतना सैलरी दोगे कि उसके लिए भी एक सीए रखने का जरूरत होगा। तो टेंशन मत लो सर, बस अपना नेटवर्क को बिल्ड करो और सिस्टम को विश्वास करो, डायमंड क्लब और बल के साथ में आप काम करो तो दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं का आपको कामयाब बनने से रोक सकता है। आपकी कामयाबी आपकी पर्सनैलिटी से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आज आपका बिजनेस 1,70,000 है, आप अगर रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं तो आपको पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस भी डेवलप होगा और पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए सर आपको लगातार अपलाइन के संगत में, सिस्टम के संगत में आपको आना पड़ेगा। अगर आप 2 लाख रुपया महीने में इनकम करना चाहते हैं, 1 लाख के पीछे मत भागो सर, बल्कि आप पर्सनैलिटी को 2 लाख जैसा तैयार करो, पैसा आपके पास खुद चल के आने के लिए तैयार होगा। नॉलेज इज द पावर, सो एवरी पावरफुल मैन अट्रैक्ट नॉलेज। नॉलेज जहां पे भी मिलता है वहां से नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो सर, पैसा के पीछे आपको भागने का जरूरत नहीं, पैसा खुद चल के आपके पीछे आने के लिए तैयार होगा। और एक ही चीज मैं कहूंगा सर कि 2 लाख रुपया आपके पास खुद चल के आएगा जब आपके नॉलेज होगा। एक चीज के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा सर कि अगर आप 50,000 रुपया महीने में कमा रहे हैं तो आपका नॉलेज भी 50,000 रुपया जैसा है। देखिए सर, कभी भी आप अपने नॉलेज से ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते, इसलिए नॉलेज जहां पे मिले वहां से आपको पैसा कमाना, मतलब वहां से आपको नॉलेज लेना चाहिए। आप चाहेंगे तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो मेरे नॉलेज के अकाउंट से नॉलेज चोरी कर सकते हैं और वही नॉलेज आपको बैंक अकाउंट में तब्दील हो सकता है। तो नॉलेज जहां पे भी मिले, तब पढ़ने से अगर नॉलेज मिलता है तो उसको पढ़िए, अगर मीटिंग अटेंड करने से अगर आपको नॉलेज मिलता है तो उसको सर अटेंड करिए। देखिए सर, नॉलेज का फंडा मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि रिलायंस ग्रुप में एक लेबर है जो महीने में 15,000 रुपया महीने में कमाता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज 15,000 रुपया कमाने जैसा है। और उसी कंपनी में, रिलायंस में एक एम्प्लॉय है जिनको मंथली 40,000 रुपया मिलता है, लेकिन उसी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश अंबानी, उनका पर सेकंड का इनकम है 57,000। तो नॉलेज का खेल है सर, जितना लेंगे सर उतना बड़ा बिजनेस होगा। सक्सेस के लिए लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है। यू लर्न मोर यू अर्न मोर, जितना सीखेंगे उतना सर आगे बढ़ेंगे। पैसा अगर कमाना है तो सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट को सीखते हैं, फुटबॉल को सीखते हैं, ताश खेलते हैं तो भी सीखते हैं, तो आपको पैसा कमाना चाहिए ना, तो इसको भी सीखना पड़ेगा। और बट लर्निंग इज द वेरी बोरिंग प्रोसेस, यहां पे सब गड़बड़ हो जाता है। लर्निंग जो है एक बहुत बोरिंग प्रोसेस है, इट इज अ वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। जब आप सर 3 घंटा का फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो कैसे टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता, लेकिन 10 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ने के लिए अपलाइन बोल दे तो सर आपको उबासी आ जाता है, आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार नहीं होते। आज जूम में मैं देख रहा हूं सर कि बहुत सारे लोग बेड में सोया हुआ है, क्योंकि लर्निंग जो है ना ये बोरिंग प्रोसेस है, लेकिन जो लर्निंग करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लर्निंग फोकस करिए सर। जिस काम को करने में मजा आता है उस काम को करने में सक्सेस कभी नहीं मिलता। ताश खेलने में बड़ी मजा आता है, पार्टी पॉलिटिक्स की बातें करने में बहुत मजा आता है सर, लेकिन इस काम को करने में कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस उस काम को आता है सर जिस काम को करने में मजा ना आता हो। अब लीडर कैसा होना चाहिए, आपको लीडर बनना है, आपको एक रोल मॉडल बनना है, और रोल मॉडल बनने के लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा। और सिस्टम की जो परिभाषा है लीडर बनने के लिए, पहला चीज आपको 1 तारीख को डायमंड क्लब करना पड़ेगा। 1 तारीख को
जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो डायमंड क्लब को करते हैं वो 10 तारीख को करते हैं, और मैंने लगभग 6 महीने से सर डायमंड क्लब को 1 तारीख के ऊपर मैंने प्रमोट किया, और आज सर मेरा बिजनेस का रिजल्ट है। नॉर्मली 10 तारीख को मेरा हर महीने में स्टार इमराल्ड का बिजनेस होता था, लेकिन आज सर 1 तारीख को मेरे नीचे स्टार इमराल्ड का बिजनेस होता है, क्योंकि लीडर जिस चीज को प्रमोट करते हैं वो चीज होता है, आप जिसको प्रमोट करेंगे वो चीज होगा। सर आप सोच रहे होंगे कि 1 तारीख करने में या 10 तारीख करने में क्या अंतर है। मैं एक ही चीज कहूंगा सर कि जो रेस के मैदान में सेकंड होता है ना, उसको पता है सर कि 1 सेकंड का वैल्यू कितना होता है। अगर आप 10 के बजे 1 तारीख को अपना डायमंड क्लब को कर लेंगे और आपके नीचे अगर बहुत बड़ा बिजनेस दिख जाएगा, तो सर आपके ऊपर जितना भी टीम में जितने भी लोग हैं सारे लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, और वो लोग डायमंड क्लब और बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे, तो जो बिजनेस नॉर्मली आपका होना था उससे कई गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस आपके नीचे सर हो जाएगा। तो 1 तारीख करिएगा, और आप अपने आप को लीडर मानते हैं। लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर ऐसा होना चाहिए जो डेली कम से कम 200 बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट को सेल करे। देखिए आप सोच रहे हैं कि मिश्रा जी क्या आप फेरियोला बनाएंगे? सर मैं एक चीज कहूंगा, इस दुनिया के अंदर इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यक्ति सामान को बेचने का हैसियत नहीं रखता है, वो व्यक्ति कीमती सामान को खरीदने का औकात भी नहीं रखता। मिनिमम 1 प्रोडक्ट, चाहे वो न्यूट्रिशन की अगर प्रोडक्ट की बात करें सर, एक न्यूट्रीचार्ज मैन का डब्बा बेच के आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो 1 प्रोडक्ट को बेचने का सर प्रैक्टिस बनाइए, आदत बनाइए। आज शायद आप सोच रहे हैं कि मैं फेरियोला बनाने के लिए बात बोल रहा हूं, सर आज लोग आपको फेरियोला बोलेंगे, लेकिन कल के डेट में वही लोग आपको ऊपर वाला भी बोलेंगे और आपके लिए ताली भी बजाएंगे। तो सामान को सेल करना सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेल ही बिजनेस का मूल मंत्र है। आज सर मेरे घर में आप विश्वास नहीं करेंगे सर कि एक पिकअप सेंटर में सर मेरे ख्याल से 4-5 लाख रुपया का प्रोडक्ट होता है। सर आज के डेट में इस लॉकडाउन के पीरियड में मेरे घर में सर कम से कम जो है आपको 6-7 लाख का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और मेरे आसपास में जितने भी लोग रहते हैं सर वो लोग आरसीएम बिजनेस को नहीं करेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों को झींगा मछली खाने से एलर्जी हो जाता है, बहुत सारे लोगों को बैगन खाने से एलर्जी हो जाता है, तो उसी तरीके से बहुत सारे लोगों को आरसीएम से एलर्जी हो जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि आरसीएम से एलर्जी हो सकता है, लेकिन हेल्थ कार्ड से कभी लोगों को एलर्जी नहीं हो सकता है, न्यूट्रीचार्ज से कभी लोगों को एलर्जी नहीं हो सकता है, तो वो लोग मेरे घर से सामान को लेके जाते हैं। तो प्रोडक्ट को सेल करने के ऊपर फोकस करें सर। एवरी मंथ 5 आप ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग कराइए डिस्प्ले वॉल के साथ, 1000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ नहीं, बल्कि डिस्प्ले वॉल के साथ लोगों को आप ज्वाइनिंग कराइए, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। और अटेंड जूम मीटिंग एवरी डे, या कोई भी आपका शेड्यूल जो भी है जूम मीटिंग, अभी एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। राकेश सर मेरे को बोला कि दीप जी आप सोचो कि 5 साल पहले अगर जूम मीटिंग आता और हम लोग अगर जूम का सही इस्तेमाल करते तो आज क्या होता। यस सर बिल्कुल सर, आज इंडिया में आरसीएम नंबर 1 नहीं होता, वर्ल्ड में आरसीएम नंबर 1 होता, और इस टेक्नोलॉजी को सर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट एक्सप्लेन आरसीएम प्लान, शो द आरसीएम प्लान विद प्रोडक्ट। आरसीएम बताने का बिजनेस नहीं है, आरसीएम दिखाने का बिजनेस है। लोगों को दिखाइए तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर मैं बात करूंगा, आपको नया पिन चाहिए, आपको बड़ा बिजनेस चाहिए, आपको बहुत बड़ा इनकम चाहिए, कुछ नहीं करना है दोस्त, पुराना लोगों को छोड़ो, नए लोगों के साथ रिश्ता जोड़ो। इंतजार मत करो तुम उसके लिए जो तुम्हें इकरार करती है, आगे बढ़ते रहो हमेशा उसके लिए जो तुम्हारे लिए इंतजार करती है। मेरा सक्सेस का या जो भी सेफेयर का लेवल मैंने अचीव किया मेरा गुरुदेव के कारण से, मेरे टीम के कारण से, तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया मैंने वाइटल पिन के ऊपर। आपके टीम में वाइटल अचीवर के साथ अगर आपका रिलेशन सुपर है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कामयाब बनने से रोक सकता है। तो मैं एक ही फॉर्मूला के ऊपर मैं काम करता हूं सर, कि जो बिगिनर हैं जिनका बिजनेस 20,000 है, मेरा एक ही टारगेट होता है। मैं एक रॉयल्टी अचीवर को जिम्मेदारी देता हूं कि जिसका बिजनेस पिछले महीने में 20,000 का हुआ उसको आप 40 पे लेके आओ, जिसका बिजनेस 40 हुआ उसको आप 70 पे लेके आओ, जिसका बिजनेस 70 हुआ उसको 1,15,000 पे लेके आओ। सर एक गोल्ड अचीवर को डायरेक्टली अगर आप बोल देंगे कि आपको 8% रॉयल्टी लेना है तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन 20,000 जिसका बिजनेस हो रहा है सर, उसका बिजनेस को हम लोग 30,000-40,000 पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है, उनके पास एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, जिस सर्कल के ऊपर काम करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट एवरी वाइटल बाय फोन,
देखिए आपके पास कितना मोबाइल में इनकमिंग कॉल आता है इससे आपका बिजनेस सिक्योर है। अगर आपके पास मोबाइल में आरसीएम रिलेटेड फोन आता है और वो इनकमिंग कॉल है तो इसका मतलब जितना बिजनेस हो रहा है उतना बिजनेस आपका सिक्योर है। लेकिन उस सिक्योर बिजनेस को अगर ग्रोथ पे लेके जाना चाहते हैं तो इनकमिंग कॉल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउटगोइंग कॉल। मैं रोज रात में सोने से पहले मैं 20 वाइटल अचीवर का मैं लिस्ट बनाता हूं जिनको मैं सुबह में नेक्स्ट डे मैं सुबह में कॉल करता हूं। बस सर वाइटल के साथ अगर रिश्ता जोड़ देंगे ना, अब रॉयल्टी को भूल जाइए सर, अब टेक्निकल को भूल जाइए, अब एमराल्ड को भूल जाइए, अब रूबी को भूल जाइए, स्टार रूबी को भूल जाइए। बस एक पिलर को याद रखना है, वो है वाइटल पिन। अगर वाइटल के साथ आपका रिलेशन है, अगर वाइटल को आप अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है सर कि आपको कामयाब बनने से रोक सकते हैं। और वाइटल को सर जुम में लाना है और वाइटल को जूम में 4 न्यू प्रोस्पेक्ट का टारगेट देना कि आप डेली अगर आपका जूम मीटिंग होता है तो 4 नए लोग आप इस मीटिंग में अटेंड करवाओ तो इससे। और वाइटल को डायमंड क्लब में शामिल करना है, ये छोटा छोटा सर इसके ऊपर काम करके आप बहुत बड़ा कामयाबी अचीव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, तो लोगों का जवाब होता है जहां पे प्रोडक्ट अच्छा हो वैसा कंपनी करना चाहिए, जहां पे प्लान बढ़िया हो वैसा कंपनी करना चाहिए। लेकिन मैं एक राज की बात बता देना चाहता हूं सर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अपलाइन का रिगार्ड और रेस्पेक्ट नहीं होता है वैसा कंपनी को नहीं करना चाहिए। आरसीएम बिजनेस के अंदर अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो रेस्पेक्ट योर अपलाइन। अपलाइन वो ताकत है सर कि जो आपको सेफर नहीं स्टार्ट डायमंड तक लेके आ सकते हैं। अगर अपलाइन को आप रेस्पेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, आप अपलाइन से बहुत कुछ सीख पाएंगे, आपका जो बिलीफ लेवल है वो डेवलप होगा और बहुत कम समय में आप कामयाब बन सकते हैं अगर अपलाइन के साथ आप रहेंगे। अपलाइन बहुत बड़ा ताकत है। और हमेशा मैं कहता हूं सर कि अपलाइन छोड़ के इस बिजनेस में कुछ नहीं है, ना तो प्लान का कोई वैल्यू है ना तो प्रोडक्ट का कोई वैल्यू है, अपलाइन सब कुछ है। क्योंकि आप हजारों बेटा तो पैदा कर सकते हैं लेकिन आप चाहेंगे तो हजारों मिलके एक बाप पैदा नहीं कर सकते, अपलाइन का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं इसीलिए सर मैं हमेशा जो है ना अपने अपलाइन को मैं मानता हूं कि मेरा अपलाइन ने जो भी कुछ बोल दिया ना अगर वो गलत भी है ना उसको मैं 100% फॉलो करने का मैं प्लानिंग करता हूं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं सर कि आपका प्लानिंग अगर सही है लेकिन अगर लोग उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको 1% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी अपलाइन का प्लानिंग अगर गलत भी है अगर सारे लोग उसको फॉलो करने के लिए तैयार है तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अपलाइन का जो भी प्लानिंग है सर उस पर फोकस करिए, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आरसीएम बिजनेस मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि महीने में अगर लाखों रुपए का इनकम चाहिए तो आसानी से थोड़ी मिलेगा, उसके लिए तो पापड़ बेलना पड़ेगा ना। एक 50 रुपया का मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं, कलश खरीदते हैं, बाजार में जाते हैं तो 2-4 बार ठोक करके देखते हैं कि भैया इसमें छेद तो नहीं है, पानी तो गिर तो नहीं जाएगा। तो महीने में लाखों रुपए इनकम चाहिए तो मुश्किल तो थोड़ा सा झेलना तो पड़ेगा। मुश्किल क्या है थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अगर इस मुश्किल को झेलने के लिए आप तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकता। आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, उसमें एक आदमी होगा सच्चा ईमानदार जो कहेगा नो मेरे को आरसीएम नहीं करना है, बहुत अच्छा आदमी है वो। एक आदमी कहेगा यस मेरे को आरसीएम करना है, वो भी बहुत सच्चा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उनके अंदर लॉयलिटी है। लेकिन सर आपको 8 आदमी मिल जाएगा जो बहुत बहुत डेंजरस होगा, जो मनी मन सोचेगा कि बेटा मैं तो आरसीएम नहीं करूंगा और तेरे को भी करने नहीं दूंगा, मैं तो नहीं करूंगा और तुझे भी करने नहीं दूंगा। और ऐसे लोगों के आपको एक ही काम करना है, दुनिया आपको रोकने का भरपूर कोशिश करेगा लेकिन आपको आगे बढ़ता रहना है, बस आप पीछे मत हटना, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सर कि आज मेरे को मौका मिला इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट होने का। और मैं लास्ट में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा इस पूरा टीम को कि सर सक्सेस अगर चाहिए तो सिस्टम को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में सर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है सर कि डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब, और इसके ऊपर काम करिए। और एक चीज मैं कहूंगा, राकेश सर मेरे को स्टार्टिंग से जानते थे, राकेश सर जींद हरियाणा से आते थे मालदा टाउन में, और मालदा टाउन से पता नहीं सर बस पकड़ के बुनियादपुर सिटी में आते थे। सर जो है मेरे को बोलता था कि दीप जी एक काम करो, मेरा एक नाम है घर का नाम है दीप,
तो सर बोलते थे कि दीप जी एक काम करो, मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। तो मैं बोलता था सर के मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर, लगभग 500 लोग बैठेगा, लेकिन सर आते थे तो 5 लोग भी नहीं होता था। लास्ट में मैं डीमोटिवेट नहीं हो जाऊं, नेगेटिव नहीं हो जाऊं, तो सर मेरे को बोलता था कि दीप जी आपको क्रिकेट खेलना आता है क्या? मैं बोलता था कि सर यस सर क्रिकेट खेलना आता था। तो सर बैट बॉल लेके मेरे साथ में और मेरे पूरा टीम के साथ में क्रिकेट खेलते थे। और सर देखिए, सर के पास एक चीज है, वो है पॉजिटिव वाइब्रेशन। और मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं सर को, इसलिए क्योंकि सर एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। और आज इस मीटिंग में दोस्त मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वास्तव में अगर आपको कामयाबी चाहिए, वास्तव में अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस चाहिए, तो जो लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं, पार्ट टाइम, सारे लोग फुल टाइम नहीं करते, जो लोग पार्ट टाइम करते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डेली कम से कम 2 मार्केटिंग प्लान दिखाइए। और जो लोग फुल टाइम प्लान इस बिजनेस को करते हैं सर, वो डेली कम से कम 5 लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाइए। और एक कोई भी न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट को बेचने का क्वालिटी आप अपने अंदर तैयार करें और डिस्प्ले वाला डायमंड क्लब को फोकस करिए, मीटिंग सेमिनार को फोकस करिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब बनने से रोक सकता है। मेरा बिजनेस जिस समय 1,15,000 का होता था, 4,3200-3500 रुपए इनकम मिलता था, उस समय मेरा ग्रेट अपलाइन खान साहब का इनकम, रोल्टी का इनकम था 45,000 रुपया एक महीने का इनकम था। राकेश सर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा क्या मंत्र है बताइए, आज खान साहब को महीने में 45,000 रुपया इनकम मिलता है। और उस समय 45,000 मतलब मैं स्टूडेंट था, मैं तो इस बिजनेस में आया था 200-400-500 कमाने के लिए, तो उस समय 45,000 का ड्रीम भी मेरे लिए एक बहुत खतरनाक ड्रीम था। तो सर को मैं बोलता था कि सर मेरे को भी 40-45,000 रुपया कमाना है। तो सर एक ही मंत्र मेरे को दिया था कि आप फॉलो करो आपके अपलाइन खान साहब महीने में कितना मीटिंग करते हैं। तो मैंने खान साहब को कॉल किया और खान साहब ने बोला कि मैं महीने में 30 मीटिंग करता हूं। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मेरा अपलाइन अगर महीने में 30 मीटिंग करता है तो मैं कम से कम 60 मीटिंग करके दिखाऊंगा। और मैं दिन में 2-2 प्रोग्राम करना चालू किया, 60 लोगों को मैंने प्लान दिखाया और 62 दिन के अंदर जो है मेरे पास रॉयल्टी जैसा लेवल आ गया, 21,690 रुपये का चेक, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और इसीलिए दोस्तों आज लास्ट में मैं एक संगीत परिवेशन करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। वैसे मैं कोई सिंगर नहीं हूं, लेकिन आरसीएम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जीवन ही आरसीएम है। मैंने खून से सींचा इस बिजनेस को। मैं देख रहा हूं जे एस ब्रिग जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, फैमिली के साथ में मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। मेरा एक ही कहना होगा सर कि इस बिजनेस के अंदर आपको अगर कामयाब बनना है तो हमेशा सर पॉजिटिव सोचें। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग गाना गाते हैं, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, प्लान दिखाने के लिए किसी के घर पे जाते हैं और वो आदमी इतना नेगेटिव वाइब्रेशन उनको दे देते हैं तो गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। तेरी गलियों में ना रखूंगा कदम आज के बाद। लेकिन जो आरसीएम का सच्चा सिपाही होता है, जिनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वाइब्रेशन होता है, वो हमेशा गान गाता है, भाभी कंगन खनकाती है और माँ लोरिया गाती है, मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है, बच्चे वह आज भी चांद को चंदा मामा कहलाता है, जिस देश में आरसीएम रहता है। तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन बना के रखें, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकता। फॉलो द सिस्टम, डायमंड क्लब को करना है, बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका। आज तालिबान के अंदर आप देखेंगे कि एक लेडीज जो है ना, गोद में अपना बच्चा को रखता है और पीछे पीठ में AK-47 रखता है, क्योंकि पीठ में होता है देश का जिम्मेदारी और गोद में होता है अपना परिवार का जिम्मेदारी। ठीक उसी तरीके से सर, आपको पीठ में AK-47 नहीं लटकाना है, आपको पीठ में एक आरसीएम का बैग लटकाना है, जिसके अंदर कम से कम 1,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, और गोद में अपना परिवार का जिम्मेदारी मतलब अपना डाउनलाइन का जिम्मेदारी लेना चाहिए। कोई भी डाउनलाइन खराब नहीं होता है, कोई भी अपलाइन खराब नहीं होता है, कोई भी क्रॉसलाइन खराब नहीं होता है, कोई भी सिस्टम खराब नहीं होता है, बस अपना अपना सोच और रवैया होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर मैंने इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कोई ऐसा बात बोल दिया जो आप लोगों को खराब लगा है, मेरे को छोटा भाई मान के आप लोग क्षमा कर देंगे,
क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को तकलीफ पहुंचाना नहीं, जैसे एक डॉक्टर का उद्देश्य होता है मरीज को इंजेक्शन देके उसका बीमारी को ठीक करना, मेरा भी उद्देश्य सेम है कि मेरे को 17.5 साल लगा है सेफेयर अचीवर बनने के लिए। मैं दिल से चाहता हूं कि यहां बैठा हुआ हर कोई व्यक्ति, लगभग 429 लोग यहां पे अभी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो सारे के सारे लोग 2025 में सेफेयर नहीं स्टार सेफेयर जैसे लेवल पे पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर दोबारा स्क्रीन में इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज सर, प्रमोद सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, शानदार, फैंटास्टिक, वंडरफुल सर, गजब, और हमेशा की तरह आपकी जो ट्रेनिंग है वो बड़ी लाजवाब है, और एक एक चीज को जो है ना आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सर। वी आर प्राउड ऑफ यू, और ऐसे ही आप जो है सहयोग करते रहें, टीम के अपना प्यार देते रहें, और ये जो प्यार है, ये जो आज आपने जितनी भी एजुकेशन दी है, इसकी गुरुदक्षिणा भी हम जो है आपको देंगे जरूर। और नहीं सर, गुरुदक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, बस आपका फिजिकली डेट चाहिए। गुरुदक्षिणा में आपको और कुछ नहीं देंगे, रोल्टियों की लाइन लगा के देंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और वो जो लाइन जो है वो लगने वाली है, जैसा कि आपने मीटिंग शुरू करते ही बोला था कि सितंबर में जो है रोल्टियों की लाइन लगे, तो नो डाउट जो आपने एक एक चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मिश्रा जी, वंडरफुल तरीके से, और सभी साथी बड़े शानदार तरीके से ध्यान से जो है तो सभी बातें सुन रहे थे, नोट कर रहे थे, और लाजवाब रहा आज का सेशन। और इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट लास्ट में सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी भी साथी को लगा कि आज का मीटिंग ठीक नहीं हुआ है या मैं सही तरीके से मीटिंग को कर नहीं पाया हूं, तो एक ही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि इतना गलत और उल्टा सीधा तरीके से मीटिंग करके अगर मैं सेफेयर बन सकता हूं तो आप तो डायमंड जा सकते हैं। बिल्कुल सर, फैंटास्टिक हुआ, और एक एक प्रेजेंटेशन बड़ी शानदार थी, और इस मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए मैं हमारे गुरुदेव, महागुरुदेव को एक बार इनवाइट करना चाहूंगा, श्रीमान राकेश शर्मा साहब को। वेलकम राकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रमोद सर, दीप जी, मैं दीप ही बोलता हूँ इनको, है ना। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था, टेढ़ा सा बन गया था आनंदो मिश्रा बोलना, काफी देर तक मैं सोचता रहा था, फिर मेरे को ध्यान आया मैं दीप ही बोलने लगा था पहले, मैंने कहा फिर नेशनल लेवल की स्टेज है सर, तो पूरा नाम ही आना चाहिए। नहीं, मेरा एक्चुअली दीप जी से जो रिलेशन है, जब इनकी शुरुआत हुई थी शायद 500-700 रुपए की इनकम आती होगी, और जब जाते थे मीटिंग करने तो कुछ लोग मिलवाते थे, लेकिन इनके अंदर जुनून था आरसीएम के अंदर कामयाब होने का, पागलपन था, मतलब जो जोश, जो जुनून आज है, 8 लाख रुपए महीना आज इनकी इनकम है, वही शुरुआत में जब 200 रुपए का चेक आता था सेम चीज उस टाइम भी होती थी इनके अंदर, और मेरे को लगता था कि यार मेरे को कुछ भी करना पड़े, हर महीने आना पड़े, महीने में 2 बार आना पड़े वेस्ट बंगाल, लेकिन इनको कामयाब करना है। और अवधेश जी खान साहब को मैं स्पेशल बोलता था कि सर इनके ऊपर फोकस करो, ये करना चाहते हैं, छोटी सी उम्र थी, आज इनका चेहरा बहुत बदल गया है, अगर आज से 17 साल पहले की फोटो देखें तो उस समय छोटा सा मासूम सा चेहरा होता था दीप जी का, और बड़े मैं इनको पसंद करता हूँ, इनकी लीडरशिप का मैं दीवाना हूँ, जब ये स्टेज पे बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को है ना अपना फैन बना लेते हैं, और आज का जो सेमिनार आपने किया वो बहुत ही गजब का किया, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, हर चीज को कवर किया, और आज भी किसी को आरसीएम समझ में नहीं आता, फिर तो केसी छाबड़ा जी कहते थे कि कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो यहाँ ठीक नहीं होते, वो बाद में ऊपर जाके ही ठीक होते हैं, तो आज का बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा सर, जितनी तारीफ करूं शब्द कम पड़ जाएंगे आज के प्रोग्राम के लिए, और मैं यही चाहूंगा कि सर जो आज आनंदो मिश्रा जी ने हमारे को दिया है, सुनने से जीवन में कुछ नहीं होता, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, बहुत सारे सेमिनार प्रोग्राम हम सुनते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। सर ने एक चीज बताई कि इनकी रॉयल्टी 21 महीने में आई थी, यानी 21 महीने स्ट्रगल किया जब रॉयल्टी आई थी, और रॉयल्टी के पीछे सबसे बड़ा कारण था लास्ट के जो 2 महीने इन्होंने किया कि खान साहब रोज एक मीटिंग करते थे, उनकी एक अच्छी खासी इनकम आती थी, तो इन्होंने रोज 2 मीटिंग करना स्टार्ट किया, और उस 2 मीटिंग ने इनको रॉयल्टी पे पहुंचाया। डायमंड क्लब की सर ने बात की कि हमें जो फौज बनानी है वो गधों की फौज नहीं बनानी सर, घोड़ों की फौज बनानी, और घोड़े की फौज कब बनती है, जब सबसे पहले घोड़ा हम बनते हैं, किसी भी शेर के पीछे शेर आते हैं सर, चूहों के पीछे कभी शेर नहीं आते, तो हमें पहले अपने आप को बदलना है, फिर ये सिस्टम अपने आप चलेगा। और क्या कहूँ सर आज के प्रोग्राम को लेके, हमारे बीच में कुछ सीनियर साथी हैं,
मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन शैलेंद्र ढिंगरा सर हैं, तो एक मिनट के लिए ढिंगरा सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनकी राय लेना चाहेंगे, उनका मैसेज लेना चाहेंगे और इनवाइट करना चाह रहा हूं शैलेंद्र ढिंगरा सर को। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव, आदरणीय राकेश सर, चरण स्पर्श आदरणीय प्रमोद सर, राकेश सर, जो है आज वाकई सर जैसा आप लोग बताते थे अरिंदर सर के बारे में, तो आज फर्स्ट टाइम मेरे को जो है लाइव सर को सुनने का मौका मिला। वैसे यूएस के चैनल पे सर को सुना था, तब भी बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रहा था सर का, और आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो कुछ पासपोर्ट का कुछ दिक्कत हुई तो यूट्यूब पे चले गए थे डायरेक्ट, तो करीबन 700-800 लोग यूट्यूब पे भी थे मेरे ख्याल से, शायद ज्यादा ही रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम के बारे में मैं क्या कहूँ सर कि जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मिश्रा जी का, क्योंकि सर ने जो है जबरदस्त तरीके से दो दो बड़ी पिन ऐसे हिट कर दी जैसे बाएं हाथ का काम है, तो ये बहुत बड़े लीडरों की जो है क्वालिटी होती है। और आज की मीटिंग भी हमने देखी कि बड़े जबरदस्त तरीके से सर ने जो है हर चीज को टच किया और जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया, और सारी राज की बात अपने बिजनेस की बताई हम लोगों को, और हमने मैक्सिमम चीज जो है वो नोट करी सर की। और जो लोग जो है ना, मैं बस बात एक ही कहना चाहता हूँ कि सर का आना हमारी टीम में तभी सफल है जब हम लोग जो है उनकी बातों को फॉलो करें, उसके ऊपर काम करें। हम लोग जो है सर का इतना कीमती टाइम हम लोगों ने लिया, इतना जबरदस्त तरीके से सर ने सारा कुछ हम लोगों को सिखाने का प्रयास किया, तो उसको एग्जीक्यूट करना है हर चीज को जो है ना। नॉलेज और एक्शन दो चीजें जब मिलती हैं तभी जो है बहुत बड़ा काम होता है, तो नॉलेज आज भरपूर मिली है अपने को, बस इसको एग्जीक्यूट कर देना है सर हमने फील्ड में जाके। और आदरणीय मिश्रा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शब्दों में बांधना जो है आपको, किसी भी शब्द में बांधना तारीफ करने में, तो वो आपके साथ नाइंसाफी होगी सर, क्योंकि थोड़ा सा मामला शब्दों से परे का है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। डियर व्यूअर्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही अपने अन्य मित्रों में इसे शेयर भी करें। और हाँ, आप आगे किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में ले आकर के जरूर लिखें। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा ऑल वाले घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय RCM। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India.